करें गैसियस स्टेट की, लिख लीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट्स में मेरे से क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शंस, बेसिक इंट्रोडक्शंस। सेकंड, गैसियस, इसके लिए मैं पहले भी बताऊंगा, गैसियस लॉस। थर्ड, आइडियल गैस। फोर्थ, एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस। ग्राम्स लो, डाल्टन्स लो, एक और टॉपिक हमारा रह रहा है, ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एंड एक्वस टेंशन, ये भी बड़ा सा रहेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा हम इसमें करेंगे यहां पर ही हम कर सकते थे, लेकिन ठीक है, हम यहां लिख रहा हूं मैं, वो आ जाएगा मतलब फ्लूइड मैकेनिज्म भी मैं यही समझा दूंगा। चलिए छोड़ो, लिख लेंगे अपन फ्लूइड मैकेनिज्म में क्या आ जाएगा, ये क्या कहते हैं, बैरोमीटर, मैनोमीटर, इंट्रोडक्शन के बाद ही, यानी 1- लिख लो, कंसेप्ट बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर इस जगह केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल थ्योरी, कॉलिजन, थ्योरी, फिर एक चैप्टर को अलग ही कर लेंगे कॉलिजन थ्योरी के बाद, और वो हो जाएगा आइडियल गैस, रियल गैस, रियल गैस को हम बिल्कुल अलग चैप्टर की तरह से कर लेंगे, ठीक है ना? तो रियल गैस के अंदर आप क्या करेंगे, पहला इंट्रोडक्शंस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वांडरवाल इक्वेशंस, फोर्थ वांडर क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, तो टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये सब आप करेंगे। फिर आप प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। तो हम
बात करें गैसेस, तो पहले तो इंट्रोडक्शन लिखिए गैसेस का। इंट्रोडक्शन देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। क्या आप सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस जानते हैं? हाँ, तो मैं क्यों लिखाऊं? आप समझ रहे हैं ना, सॉलिड हार्ड होता है, लिक्विड सॉफ्ट है, फ्लो कर सकता है, और गैस दिखाई नहीं दे रही आपको, लेकिन उसके पार्टिकल अलग अलग मूव कर रहे हैं। इतना तो आपको जानते हैं। तो अगर आपको सॉलिड के बारे में लिखना है तो इतनी, सॉलिड लिक्विड और गैस, तो सिर्फ एक लाइन, ज्यादा नहीं। सॉलिड को देख के ही आइडिया लगा लेते हो आप, बच्चे थोड़े ना हो, क्लास फर्स्ट के बच्चे थोड़े ना हो। ये सॉलिड लग रहा है, लिक्विड कैसा लिखूंगा मैं? ऐसे शो करूंगा। और गैस कैसे शो करूंगा? अगर गैस को शो करना है तो मुझे क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये गैस बाहर भी निकल सकती है और दूसरी गैस के साथ एक्सचेंज हो सकती है। और गैस को कैसे शो करूंगा? ऐसे। हम क्या पढ़ रहे हैं? गैसेस स्टेट। तो इस पे हमारा टारगेट रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बस। क्या ये चीज और जगह भी लगती है? नहीं। बस ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। क्लियर है? यहां वॉल्यूम फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा, नॉट इफेक्ट ऑन कंटेनर। यहां पर भी वॉल्यूम फिक्स्ड है, यहां शेप भी फिक्स है, शेप भी फिक्स्ड है, लेकिन यहां शेप नॉट फिक्स्ड, चेंज होगी, वेरी करेगी। कंटेनर, ये लिक्विड को उठा के अगर आपने किसी और कंटेनर में डाल दिया, उसकी जैसी शेप ले लेगा। सिलेंड्रिकल डाल दिया, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। यहां ना तो वॉल्यूम ना शेप, दोनों ही फिक्स नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहां आपके पास ये चीज हो गया, लिखे ये।